अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के एक चर्च में मौजूद हैं जहां ईसाई बरादरी की तरफ से एक बहुत बड़ा इवेंट मनाया जा रहा है जो क्रिसमस डे जिसको कहा जाता है। तो आइए हम इनसे कुदरती माहौल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम नौमी बशीर है और मैं फाउंडर और चेयरपर्सन इस चर्च की सेंट जर्मिया चर्च से। तो ये आज के मुकद्दस दिन पे ये माहौलियाती तब्दीली के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आपका जो साइन भी है ये एक ट्री है, तो इससे क्या मैसेज मिलता है हमें, ये आप हमें बताइए माहौलियात के हिसाब से। मसीह यसु में आप सबको सलाम। मैं हमारा आज का ख़ास मैसेज ये है कि जिस तरीके से इस वक्त बॉम्ब ब्लास्टिंग है और माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें एक एक शख्स को अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में अगर एक एक दरख्त हम लगाना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल में माहौल काफ़ी तब्दील हो जाएगा। ये जो पोल्यूशन है, बीमारियां हैं, चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, गर्दोगुबार है, तो ये दरख्त लगाने से जो है ना काफ़ी जो है ना उसमें बेहतरी आएगी। और हमारे मसीह यसु ने भी बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है कि हमें अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। दरख्त ज़िंदगी को, ऑक्सीजन को शो करता है। तो हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए, हमें अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में अपनी मदद आपके तहत दरख्त उगाने चाहिए ताकि जब दरख्त होंगे, ग्रीनरी होगी, बारिश होगी, पोल्यूशन कम होगी, तो इर्द गिर्द का माहौल, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम लोग जो है इस चर्च से ही अपने इस मुहिम का आगाज़ करते हैं और हम चर्च से और अपने यहाँ एक ग्राउंड है वहाँ पर हम लोग कोई कोशिश करेंगे कि 50 से दरख्त जो है वो छोटे छोटे दरख्त लगाने शुरू करें ताकि माहौल बेहतर हो। बहुत खूबसूरत मैसेज। खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, जो शहनशाहों का शहनशाह, जो अमन और सलामती का शहजादा है, हमें खूबसूरत मैसेज है पीस का। सबसे पहले तो हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि हमें सुलह से रहने की ज़रूरत है, हमें अमन और सुलह सलामती को कायम करने की ज़रूरत है। और जब अमन होगा, सलामती होगी, जंगें नहीं होंगी, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे, फायरिंग्स नहीं होंगी, तो माहौल खुद ब खुद जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो हम इस क्रिसमस के मौके पर आप सबको क्रिसमस और न्यू ईयर की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हम अपने अपने दिलों में ये अज़म कर लें कि हमने जंग के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठानी है और इन्वायरमेंट के लिए हमने दरख्त उगाने हैं और हमने अपने माहौल को बेहतर बनाना है। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम इन्हें अच्छा माहौल नहीं देंगे, बीमारियाँ बढ़ेंगी, बीमारियाँ बढ़ने से ज़िंदगियाँ कम होंगी। तो खुदा तो ज़िंदगी का सरचश्मा है, वो ज़िंदगी देता है, उसने मौत पर फतह पाई है। थैंक यू वेरी मच। फरोजा.tv माहौलियात से जुड़े सेहत, तालीम और खेल के मसाइल पर आगही देने वाला वाहिद वेब टीवी चैनल।